जय परोपकार, जय परोपकार। आपका अपना जीव सेवक सुनील भारद्वाज एक बार फिर एक जीव का दर्द आप तक पहुंचाऊंगा। बहुत ही अच्छा यह लड़का, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है, क्या नाम है? चिराग। चिराग, तो गौ माता के क्या हुआ है? पैर टूट गया है। पैर टूट गया है, कहाँ पर आपको दिखाई दिए हैं? खेत में। खेत में, फिर आप यहाँ तक कैसे लेके आए? से। बुग्गी से। देखा जा सकता है कितना अच्छा भाव रखता है चिराग भाई। इसके लिए खाने पीने का भी व्यवस्था की, पानी भी पिलाया, जो मनुष्य कर सकता है। ये हमारा संदीप गौ सेवक टीम परोपकार सेवा संस्थान को देखने की कितनी पीड़ा और परेशानी है, और जो भी स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है वो सब कुछ करने का प्रयास किया जाएगा। फिर इसको हम परम आदरणीय गौ सेवक दिव्यांश शर्मा जी टीम परोपकार सेवा संस्थान सादाबाद एम्बुलेंस लेके आएंगे और इसको अपने साथ लेके जाया जाएगा। हम इसको परम आदरणीय सश्रद्धे श्री श्री जी का 1008 पद्म श्री सम्मानित श्री रमेश बाबा जी बरसाना माँ गौशाला भेजा जाएगा, जहाँ पर किसका पूरा इलाज और खाने पीने का प्रबंध किया जाएगा। देखा जा सकता है यहाँ पर टीम हौसला कृष्णमयी मयूरी गौ सेवा से मैं सुनील भारद्वाज एक बार फिर एक जीव का दर्द आप तक पहुँचाऊँगा। जीव जगत में इसको माँ नाम से जाना जाता है, यह गौ माता है, सनातनी संस्कृति परंपरा की रीढ़। इसका पैर देखा जा सकता है किस तरीके से, कैमरामैन बिल्कुल पास से इसके जख्म को दिखाने की कोशिश की जाए किस तरीके से देखा जा सकता है, बिल्कुल पास से करीब से नीचे से इसका घाव दिखाने की कोशिश की, देखा जा सकता है इसका यह पैर, इसकी हड्डी टूट चुकी है। और वह मनुष्य भी क्या मनुष्य होगा जो इसके इतने गहरे दर्द को देखने के बावजूद भी सीधा निकल जाता हो या इसके दर्द के निवारण के लिए कोई उपाय न करे। चिराग भाई के श्री चरणों में नमन और प्रणाम, जिन्होंने के इसके दर्द को अपना दर्द समझा और सुबह से लगभग हमारे पास 85 बार कॉल किया और पूछते रहे कब एम्बुलेंस और कब डॉक्टर आएंगे। स्थिति रखा जाएगा, यह कई दिन पहले का टूट चुका होगा, उम्मीद है हमें। अभी हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा ट्रीटमेंट दे देंगे, क्योंकि ये तो डॉक्टर का काम है, बड़े डॉक्टरों का काम है, स्थानीय स्तर पर हम लोग इतना सब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ जो भी कुछ किया जा सकता है सब कुछ करने की कोशिश की जाएगी। हमें मनुष्य ने हृदय तो दिया है, लेकिन हृदय के साथ साथ जिंदा मन को अभी इसके एक इंजेक्शन लगाऊंगा मैं प्राथमिक उपचार के तौर पर, जो कि एंटीबायोटिक है, जिससे कि इसके दर्द भी कम होगा और गांव तो इससे नहीं भर पाएगा, क्योंकि गांव तो लंबे ट्रीटमेंट के बाद भरेगा, लेकिन दर्द के लिए लगा देते हैं जब तक। चिराग भाई की तरह देखा जाए, जरा उधर कोशिश करनी चाहिए। चिराग भाई, क्या संदेश देना चाहोगे आज अपने उम्र के लड़कों को, क्या करना चाहिए तो ऐसी ठीक है, और क्या क्या कहना चाहोगे अगर ऐसा कोई चीज मिलता तो? मिलते हैं फिर। देखा जा सकता है रात्रि अत्यधिक हो चुकी है, अभी रात के 11 बज चुके हैं। जिस गौ माता का मैं आपको दर्द दिखा रहा था, हमारी अभी अभी एम्बुलेंस लौट के बरसाना से आई हुई है। अभी हम इस गौ माता को यहाँ से उठाकर सुरक्षित अपने पास सादाबाद टाउन एरिया की गौशाला में रखेंगे। सुबह तड़के ही इस गौ माता के पैर के ट्रीटमेंट के लिए गौ माता को परम आदरणीय सश्रद्धे श्री श्री 1008 श्री रमेश बाबा जी माँ गौशाला के लिए भेजा जाएगा। मैं सारे क्षेत्र के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया सेवा में तिल तिल बूंद बूंद सहयोग प्रदान करें, जिससे कि किसी भी जीव को इतनी देर तक इंतजार न करना पड़े अपनी जिंदगी।
बचाने के लिए। बस बंद कर दो। देखा जा सकता है मैं कुछ समय पहले जिस गौ माता का दर्द आप तक पहुंचा रहा था, उसी गौ माता को लेने के लिए टीम हौसला कृष्णमयी मयूरी गौ सेवा परोपकार सेवा संस्थान से यह एम्बुलेंस आई हुई है। इसको यहाँ से सुरक्षित ले जाएंगे। कहूँगा यदि आपके आसपास भी ऐसा कोई जीव जिसकी जिंदगी बचाई जा सकती है मनुष्य की थोड़ी सी मदद के द्वारा, तो कृपया कोशिश करनी चाहिए जिस तरीके से चिराग भाई ने की। हमारा फ़ोन नंबर निरंतर कमेंट बॉक्स में YouTube पर चलता रहता है। यदि किसी मनुष्य को किसी जीव की जिंदगी बचाने हेतु तो हमारी सहायता की आवश्यकता पड़े तो हमें कॉल किया जा सकता है। देखा जा सकता है इस गौ माता का पैर टूटा हुआ है। बल्ली दो, बल्ली कहाँ, वो एक बल्ली तो फेंकी लियो, वो बल्ली जो भी हम यहाँ पर प्राथमिक उपचार दे सकते थे इसको दिया गया, लेकिन हड्डी टूट चुकी है इसकी बिल्कुल अलग। आपको गाड़ी में रखवाने में क्योंकि इसका पैर टूटा हुआ है बेचारी गौ माता का। कहूंगा सारे लोग मिलजुल कर मदद करते रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि गौ माताओं के साथ किसी भी जीव के साथ इस तरीके की कोई भी हम हरकत या कोई भी छेड़छाड़ करें जिससे कि ना कोई परेशानी पहुंचे। लेकिन मजबूरी है, करना पड़ता है, उठा के रखवाना पड़ता है क्योंकि इसकी जिंदगी बचानी है। सारे क्षेत्र के लोगों से निवेदन करूंगा जो भी सेवा को देखते रहते हैं, कृपया कमेंट किया करें, हौसला बढ़ाया करें, हमारा लाइक किया करें, और कहूंगा कि सारे लोग मिलजुल कर थोड़ा थोड़ा सहयोग करते रहें, तिल तिल बूंद बूंद सहयोग करते रहें, जिससे कि जल्द से जल्द हमारे पास एक ऐसी एम्बुलेंस हो जिसके अंदर की लिफ्ट लगी हुई हो, जिससे कि किसी भी बेजुबान निराश्रित घायल जीव को बिना किसी छेड़छाड़ के एम्बुलेंस में अच्छी तरीके से अंदर रखा जा सके। देखा जा सकता है सारे भाई लोग किस तरीके से सेवा में सारे लोगों ने सहयोग सराहनीय प्रदान किया। बहुत ही अच्छे लोग जिन्होंने के इस गौ माता की जिंदगी बचाने हेतु श्रम दिया। सारे लोगों के श्री चरणों में नमन और प्रणाम बनता है। लेकिन कहूँगा लोग सेवा को देखते रहते हैं, सारे बुद्धिजीवी हैं, सारे समझदार हैं, तो सेवा में निश्चित तौर पर सहयोग करना चाहिए। मनुष्य किस तरीके से धरती पर आने के बाद इंसान को बेवकूफ़ बनाए तो समझ आता है, लेकिन वो भगवान को भी बेवकूफ़ बनाता है। सहानुभूति जैसा और स्नेह जैसा मनुष्य के अंदर यदि कोई व्यक्तित्व नहीं है, संवेदना जैसा कोई व्यक्तित्व नहीं है, तो उसका सब कुछ करना बेकार। तो मनुष्य सेवा से जुड़े, और जो भी मनुष्य सेवा में सहयोग कर सकता है, जो भी आपके क्षेत्र में ऐसे मनुष्य सेवा देते रहते हैं बेजुबान निराश्रित घायल जीवों को, उनका कृपया सहयोग प्रदान करें, उन्हें कृपया सहयोग दें। सादाबाद टीम से चलकर आए परम आदरणीय राहुल गौ सेवक, ये परम आदरणीय ड्राइवर साहब, रात के 11 बज रहे, खाना खाया नहीं? नहीं खाया साहब, बरसाने से आ रहे हैं। नहीं खाया। देखो कहाँ से आ रहे हैं अभी? अभी बरसाने से आ रहे हैं। बरसाने गौ माता को क्या क्षेत्र के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? सेवा कर लो बस। अभी देखा जा सकता है गौ माता को सकुशल गाड़ी में रखवा के सादाबाद चांदेरिया अभी रात्रि विश्राम कराया जाएगा, क्योंकि रात्रि अत्यधिक है, 11 बजे का टाइम है, तो रात्रि में इस गौ माता को बरसाना भेजना सही नहीं है। सुबह फिर गौ माता को बरसाना भेज दिया जाएगा। देखा जाता जा सकता है स्वच्छंद विचरण करता हुआ यह गौ माताओं का झुंड किस तरीके से हमारे कस्बा सैंपू में विचरण कर रहा है, किस तरीके से मनुष्य गौ माताओं के साथ अन्याय पर अन्याय करता चला जा रहा है। जब ये उसके किसी कार्य की नहीं रहती हैं, कहूँगा कि दूध पिया या जो भी कुछ, तो फिर इनको किस कदर भटकने के लिए मनुष्य छोड़ देता है। फिर ये
किसानों के खेत में जाती हैं खाने पीने के लिए, तो किसान फिर इन्हें वहाँ से डंडे दे के भगाता है। फिर इनके साथ ज़िंदगी का कोई ऐसा हादसा गुजर जाता है जिससे कि इनके शरीर का कोई अंग दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या यह जान से ही चली जाती हैं। तो कृपया गौ माताओं को वही लोग घर पर पनाह दें, पालें, जो गौ माता को एक धन कमाने की वस्तु या एक पशु मात्र न समझें, क्योंकि पशु से भी मनुष्य को प्रेम करना चाहिए, क्योंकि प्रेम ही संसार का वह शास्त्र है जिसको पढ़ने के बाद मनुष्य किसी भी यूनिवर्सिटी को उत्तीर्ण कर सकता है, वरना कहूँगा कि उसने जो कुछ भी किया सब अपने साथ अन्याय। जय परोपकार, जय परोपकार।